कोल्हापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मुरली और उसकी पत्नी विमला हंसी खुशी रहते थे। मुरली अपने दोनों बच्चों पर जान छिड़कता था। मुरली खेतों में काम किया करता था, पर गांव में दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो मुरली घर पर ही था। यह बारिश भी पता नहीं कब जाकर रुकेगी। बाबा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्या मैं और भैया बाहर जाकर बारिश में खेल सकते हैं? मेरी प्यारी सी बेटी, अगर तुम बारिश में गई तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बाबा, तो मैं नहीं जाऊंगी, घर पर ही भैया के साथ खेलूंगी। तभी वहाँ जीकू भी आ जाते हैं। अरे मुन्नी, क्यों अपने पिताजी को परेशान कर रही हो? जाओ जाकर खेलो। हाँ मुन्नी, चलो हम दोनों वहाँ मिलकर खेलते हैं। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। मैं सोच रहा था, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारे खेतों का क्या होगा? अगर खेतों में पानी भर गया तो हमारे खेत कहीं खराब ना हो जाए। मुन्नी के बापू, अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब चाहेगा तभी बारिश रुकेगी। विमला, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा खेतों पर। विमला, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अपने पिताजी को बाहर जाते देख मुन्नी और चीकू पिताजी से लिपट जाते हैं। नहीं पिताजी, हम आपको नहीं जाने देंगे। हाँ पिताजी, अभी तो आपने ही कहा था ना कि बारिश में बाहर गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। पिताजी, अब आप ही बाहर जाने लगे। मुन्नी के बापू, मत जाइए ना, जरा बाहर तो देखो, पानी घुटने तक है। मेरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। विमला, बच्चों को संभालो। इतना बोलकर मुरली बाहर चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी और पानी उसके घुटनों तक था। जब मुरली अपने खेतों पर जा रहा होता है तो उसकी नजर नदी के बांध पर पड़ती है। बांध को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि गांव की नदी का बांध मोटे मोटे पत्थरों को लगाकर बनाया हुआ था और वो टूटने वाला था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये बांध तो कभी भी टूट सकता है। अगर ये बांध टूट गया तो पूरे गांव में तबाही आ जाएगी, पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं गांव के सभी लोगों को बता कर आऊँ। मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। मुरली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर मुरली क्या करता है, वो पास में पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर बांध पर लगाने लगता है, पर पानी इतना तेज था कि उन पत्थरों के बीच से भी पानी रिसने लगा। हे भगवान, मदद करो मेरी। मुरली नदी के बांध को रोक नहीं पाता है और देखते ही देखते बांध टूट जाता है और नदी का पानी तेजी से गांव में घुस जाता है। पर बांध टूटते ही मुरली उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाता है और ऊपर से पानी, मुरली की वही मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है और गांव के लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि अब उन सब के घरों में पानी भर चुका था। अरे भाइयों, अपने गांव में बाढ़ आ गई है, सभी लोग अपनी अपनी जान बचाओ। विमला अपने दोनों बच्चों को किसी ऊंची जगह पर बैठा देती है और खुद पानी में खड़ी होती है। पानी उसकी कमर तक था। मुन्नी के बापू अभी तक नहीं आए, हे भगवान, वो कहीं कोई मुसीबत में ना हो, उनकी रक्षा करना भगवान। माँ, पिताजी ने तो बोला था कि वो जल्दी घर आएंगे, पर वो तो अभी तक नहीं आए और ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ, अगर हम इस पानी में डूब गए तो? मुन्नी, ऐसा नहीं बोलते, देखना पिताजी अभी आएंगे और वो हमें बचा लेंगे। बच्चों, अब ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें ऊपर छत पर जाना होगा। विमला अपने बच्चों को छत पर ले जाती है। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था, लोगों के घर आधे आधे डूबे हुए थे। सभी लोग अपनी अपनी छतों पर पनाह ले रहे थे। कुछ लोग पानी के बीचों बीच फंसे थे और चिल्ला रहे थे मदद के लिए। कोई बचाओ मुझे, अरे कोई तो मदद करो मेरे। बाढ़ में लोग इधर उधर फंसे पड़े थे और पानी तो बस बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक बच्चा पानी में गिर जाता है और तड़पने लगता है। तभी मुरली का भूत आकर उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लेता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटे, अब मैं आ गया हूँ, मैं बचाऊंगा तुम सबको। तुम भूत हो, मुझे खा जाओगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
भूत है, भूत, भूत। भूत पानी में तैरते हुए उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। उधर गांव का एक आदमी कन्हैया डूबने वाला था कि तभी वहाँ भूत आता है। तुम तो कोई भूत लगते हो, ए भगवान, एक तरफ बाल और दूसरी तरफ ये भूत, अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ मेरी मौत है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम मेरी पीठ पर आकर चढ़ जाओ। लगता है ये भूत कोई शरीफ भूत है, अभी तो अपनी जान बचाने में ही फायदा है, चाहे ये भूत ही क्यों ना बचाए। भूत कन्हैया को अपनी पीठ पर उठाकर एक ऊंचे से पेड़ पर बिठा देता है। भूत पानी में फंसे बच्चे, औरतें और बड़े बूढ़ों को अपने कंधों पर बिठा बिठा कर एक जगह से किसी सुरक्षित जगह ले जा रहा था। गांव वालों का सब कुछ डूब चुका था, उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। माँ, पिताजी तो अभी तक नहीं आए, क्या मैं उन्हें जाकर ढूंढूं? इन बच्चों को कब तक दिलासा दूं? हे ऊपर वाले, उन्हें भेजता क्यों नहीं? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। विमला ने आते समय अपने पल्लू में थोड़े चने बांध लिए थे। बच्चों, मेरे पास तो बस यही मुट्ठी भर चने हैं। लो, तुम दोनों मिलकर इन्हें खा लो। मुन्नी चने खा ही रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बाढ़ के पानी में गिर जाती है। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची डूब रही है। बचाओ, बचाओ माँ, मुझे बचाओ। माँ, मैं बचाऊंगा मुन्नी को, जाने दो मुझे, जाने दो। विमला चीकू को पकड़े हुए थी कि कहीं वो भी ना गिर जाए पानी में, और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी कि अचानक वहाँ मुरली का भूत आ जाता है और मुन्नी को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेता है। भूत, भूत, अरे गांव वालों, मेरी बेटी को बचाओ, भूत ने मेरी बेटी को पकड़ लिया, ए भूत, छोड़ मेरी बेटी को। विमला एक हाथ से चीकू को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से भूत को मार रही थी। विमला, विमला, मैं हूँ तुम्हारा पति मुरली, मैं मुरली हूँ। मेरे पति? ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो खेतों पर गए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम दोनों से वादा किया था ना कि मैं जरूर वापस आऊँगा, देखो मैं आ गया। विमला और दोनों बच्चों को भी यकीन हो जाता है कि वो भूत ही उनके पिताजी है। मुन्नी के बापू, ये कैसे हुआ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जब मुरली घर से खेतों के लिए निकला था और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसने वो नदी का टूटा हुआ बांध देखा और वो गांव को बचाते बचाते वहीं दबकर मर गया और भूत बन गया, सब बता देता है। उस भूत की सारी बात गांव के सभी लोग सुन लेते हैं। मुरली भाई, तुमने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हाँ मुरली भाई, तुम महान हो। सरपंच जी, ये सब बात करने का समय नहीं है, देखो तो जरा, तुम सबके कंधे तक पानी आ चुका है, पर अब इस गांव को मैं बचाऊंगा। पहले तो भूत अपने दोनों बच्चों को अपने दोनों कंधों पर बिठा लेता है और विमला को पीठ पर, फिर तैरते हुए दूर पहाड़ी पर उतार देता है। विमला, अब मुझे और लोगों को भी बचाना है, मुझे जाना होगा, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मुन्नी के बापू, आखिरी बार भी आप मुझसे यही बोल कर गए थे कि अपना और बच्चों का ख्याल रखो, आप जाओ, गांव वालों को बचाओ और अपना ख्याल रखना। भूत फिर गांव में वापस आ जाता है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे, अगर मैं दो दो करके अपनी पीठ पर बैठा कर इन लोगों को बचाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तभी भूत को एक उपाय सोचता है। वो भूत एक बड़े से पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को उखाड़ कर अपने कंधों पर रख लेता है। भूत बनने के बाद उसके शरीर में कई गुना ताकत बढ़ गई थी, शायद उसी वजह से भूत लोगों की मदद कर पा रहा था। सरपंच जी, आप एक काम करिए, बच्चों और औरतों को इस पेड़ पर बैठाइए जो मेरे कंधों पर है। ठीक है मुरली भाई, चलो चलो, जल्दी करो भाइयों, थोड़ी देर में ये गाँव पूरा डूबने वाला है। सरपंच और बाकी लोग औरतों और बच्चों को भूत के कंधों पर रखे पेड़ पर बिठा देते हैं और वो भूत धीरे धीरे सभी औरतों और बच्चों को पहाड़ी पर छोड़ आता है, फिर बुजुर्ग लोगों को और फिर गांव के सभी आदमियों को उस ऊंची पहाड़ी पर सुरक्षित पहुंचा देता है। और कुछ समय बाद सरपंच नदी के बांध को एक पक्के बांध में बदलवा देता है ताकि फिर दोबारा ऐसा ना हो।